हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं तंदूरी चिकन, जिसके लिए हमने 1.5 किलो गोश्त लिया है, चिकन लिया है। उसमें हमने कटलेट्स मार लिए हैं, हमने दही ली है कटोरी, 4 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, 2 टीस्पून हमने लाल मिर्च का पाउडर लिया है, बेसन लिया है जिसको हमने हल्का सा रोस्ट कर लिया है, फूड कलर लिया है, नींबू लिया है, 1 टीस्पून हमने कॉर्नफ्लावर लिया है, 1 टीस्पून हमने चाट मसाला लिया है, 1 टीस्पून हमने गरम मसाला लिया है, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च का पाउडर लिया है, 2 टीस्पून हमने तंदूरी मसाला लिया है। इन सभी चीज़ों को हम मैरिनेशन के लिए मिलाकर रख देंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप 1/2 घंटे के लिए रखिए, 2 आवर्स के लिए रखिए। आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब इसे हम मैरिनेट करेंगे। इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और इसे मिला के अच्छे से रख देंगे। ये हमने ओवरनाइट के लिए रख दिया था, अब हम इसे तलेंगे। आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, अगर आपके पास टाइम रहे तो आप ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। हमारी फ्राई हो चुकी है, इसे हम निकाल लेंगे। ये हमारी फ्राई तैयार हो चुकी है, जिसे हम चटनी के साथ सर्व करेंगे।